चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बस। चिट्ठी आती है तो अपनों का हालचाल बताती है, लेकिन जब चिट्ठी देने आया हो डाकिया सुदेश तो हाल बिगड़ जाते हैं, चाल बदल जाती है। प्लीज वेलकम सुदेश एज डाकिया एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। शांत हो जाइए, आपको खुशी होगी कि आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई। शेट्टी साहब कहते कोई भी शुभ काम करना हो तो बड़े बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए, आप पहले डर जाती हो। सुरेंद्र की चिट्ठी आई है और आपको जान के खुशी होगी कि उसके साथ चेक भी लगा हुआ है 15 रुपए का। नहीं इसने किसी को दिया था, बाउंस हो गया। या नहीं आप ना जाना हंसो, आपकी भी चिट्ठी आई है। लिखा है कि बचपन में हम इकट्ठे रहे, तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया, हमारा कितना प्यार था, इकट्ठे खेले इकट्ठे खाया, खैर तुम्हारी शादी हो गई है, तुम चली गई हो, सुखी रहो, तुम्हारा सगा भाई बातू। पता नहीं क्रिएटिव टीम ने कैसे नाम निकाल लिया, मेरे को खुद नहीं पता। ये क्या कर रही हो, तुम्हारी चिट्ठी भी आई है। लिखा है इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां पड़ किचड़ किकड़ के एक चाह पड़ की पोकड़ा पड़ किचड़ किकड़ पे एक। समझ आई आपको, मैं समझाता हूँ। लिखा है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। आप सोच रहे हो मैंने कैसे पढ़ ली, भी जिसने लिखी है वो पढ़ नहीं सकता। यार ये किसकी है? कालिया साहब। ये कालिया साहब कौन है यार? उला ला 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 उला लो ले लो ले लो ले लो। ओ कालिया साहब, हाँ नीचे आपकी चिट्ठी आई है। आता हूँ। उला ला 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 उला लो ले लो ले लो, उला ला 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 उला लो ले लो क्या, ये ले लो। हाँ आपकी चिट्ठी आई है। अरे बंदा हैंडसम हो स्मार्ट हो तो लड़कियों की चिट्ठियाँ तो आती रहती हैं। लाओ दो पढ़ के सुना दो। डाउट मुझे पहले था कि आप अनपढ़ हो, आज क्लियर हो गया। लिखा है कि आपको जान के खुशी होगी कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपकी माशूक डोली एयर होस्टेस। क्या? ये कैसे हो गया? आपसे हुआ है तो मुझे क्या पूछ रहे हो? ये नहीं हो सकता। क्यों, बीमार हो? वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर जी, बहुत अच्छा है कि आप हार रही, नहीं तो मेरा 5 रुपए का नुकसान हो जाना था। क्या मतलब? क्योंकि मैंने फोटो स्टेट करके रख ली है ना। अगर कल को डोली का दिल पिघल जाए तो कोई ना कोई तो बंदा चाहिए ना आपको ब्लैकमेल करने के लिए। क्या बोला कुतरिया? सर जी इतने अमीर हो, गालियां कृष्णा वालियां निकाल रहे हो। हेलो हेलो लड़ी फूल। हाँ ये ठीक, ये भी तो मैं खाता रहता हूँ रात के 2 बजे फोन पे, इससे मजाक है ये। तुम इसको रात को फोन करती हो? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करती, मैं करता हूँ। इसकी तो आउट गोइंग कटी हुई है और मैंने कभी अच्छी बात नहीं की। देख लो बकवास बंद करो। तुमने जो फोटो स्टेट निकाला है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख की तो मैं रोज साइकिल पे हवा भराता हूँ। 15 लाख रुपया लूंगा, 15 लाख। 5 लाख रुपया। 5 लाख तो मेरे ऊपर कर्जा है, 5 दिन हवा पर आ चुका हूं, साइकिल वाले को पैसे देने हैं। 10 लाख रुपया से 1 रुपया ऊपर नहीं। देखो काले साहब, ना आपकी ना मेरी, 1 करोड़ ओके। साले मैं तुझे 1 रुपया भी ना दूं? नो प्रॉब्लम। डोली फिर आपको ब्लैकमेल करेगी फोटो स्टेट। डॉली क्या मुझे ब्लैकमेल करेगी? अबे गधे, में खुद ही डॉली बन के आता हूँ। हेलो सर। हेलो सर। फिर मुझ तेरा कैरेक्टर ऐसे समय पे छोड़ दे, मेरा नुकसान करा दिया। अभी पैसे दे के तू कैरेक्टर छोड़ दे। चलो खैर, मुझे तो अपना काम करना है, मैं डाकिया हूँ। बांटनी है कब तक मुझको ये चिट्ठियाँ, जब तक पटाएंगे पट्टे ये पट्टियाँ। सूरवीर के मुंह से ज्यादा टांगों का प्रचार है। कपिल का एक्ट देख लैरी बीमार है। भारती को रोहित की हाँ का इंतजार है। कोई पंच अच्छे लाया, कोई दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। यार एक चिट्ठी हो रही थी, दो तीन चिट्ठियां सारी। हरबंसलाल, ये हरबंसलाल कौन है यार? हम हैं हरबंसलाल। तो फिर मुंह क्यों ढका हुआ है? आज हमारा ब्याह है ना, वो चेहरा मियाँ चेहरा। ओ सर जी गौर से चेक करो, हो सकता है आपका चौथा हो। बिल्कुल सही, चौथा ही ब्याह है। सर जी आपकी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? देखो जी, इस उम्र में तो यमराज की आती, पता नहीं किसकी है। लिखा है हाँ। आज मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। हमने जो रंग रलियां मनाई जिंदगी में, मैं कभी भूल नहीं सकती। हाँ भैया, ये तो अमृतसर वाली भाभी की है, बिल्लो भाभी की। ओ मैं थप्पड़ मारा। और बीच में लोगों की फैमिली को क्यों ला रहे हो यार? है? मैं असली नाम बताऊं? हाँ पढ़ो। पार्वती की। अरे पार्वती तो हमारी दुल्हन की मियाँ। सुदेश को ढला चुरा जाके चली गई। तो सर जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी शक्ल है ना, तो मोहल्ले की भेड़ बकरियां भी भाग जाए। अरे आगे पढ़ो, क्या लिखा है? पार्वती ने लिखा है, मेरी नजर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड तुम हो। हाँ? ऐसा मैं समझती थी जब तक मैंने कपिल को नहीं देखा था। अरे तेरी माँ का शाकिल आता। आगे लिखा है, अब मैं कपिल की पार्टनर बनने जा रही हूँ, मुझे गलत ना समझना। उसको कोई अच्छी पार्टनर मिल गई तो वो जीत जाएगा। अब मैं उसकी पार्टनर हूँ, अब तुम ही जीतोगे। जीत गया, जीत गया। अरे मियाँ एक बात कहूँ, ये पार्वती आर्टिस्ट भले कैसी भी हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मियाँ। मैं जीत गया मियाँ, जीत गया। कहाँ जा रहे हो मियाँ? अब तो अकेला ही जीत ले फिर। अरे मियाँ इधर आओ, कैसे जीतेंगे? मेरे पास स्टैंड अप नहीं है, स्टैंड अप तो तुम्हें ही करना है मियाँ। हम चलते हैं, लगे रहो। परमात्मा की कृपा होती है तो आप लोगों का प्यार मिलता है, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थक चुका हूँ यार, इस लाइन से थक। ये क्या बन के आ गया तू यार? ओ कृष्णा, कबूतर हूँ मैं, लोगों को चिट्ठियां देता हूँ। किस किस को देख चुका आज तक तू? मैंने प्यार किया नहीं देखी। सलमान की चिट्ठी भाग्यश्री को दी थी मैंने। इतना मनहूस कबूतर है ये, है? भाग्यश्री को पता नहीं कैसी चिट्ठियां दी, बेचारी घर पे बैठी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादा परदादा ने सोनी महिवाल और हीर रांझे को चिट्ठियां दी थी। वो तेरे से भी ज्यादा मनहूस था, है? मिलने से पहले बेचारे मर गए सारे आशिक। अब तू यहाँ किसकी चिट्ठी लेके आया? तेरी चिट्ठी, वो भी मनहूस ही होगी। क्या लिखा उसमें? तेरे दादाजी का देहांत हो गया। क्या बकवास है, तू हंस क्यों रहा है? तेरे दादाजी मर गए। ओ यार बड़ी खुशी की बात है, अरबोपति बंदा मेरे लिए तो कुछ ना कुछ छोड़ ही गया होगा ना। यस। वो तेरे लिए 10 लाख रुपया छोड़ गए हैं। अब ये खुश होने वाली बात है, रो क्यों रहा है तू? ओ यार कमीना, अरबापति बंदा मेरे लिए सिर्फ 10 लाख। अरे दुख भरी खबर है यार, एक और तेरी बीवी के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ गया है। अबे खुश क्यों हो रहा है? तेरे लिए 10 लाख, तेरी बीवी के लिए 1 करोड़। ओ मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ, वो 1 करोड़ रुपया मांगती है। अब उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया, मैं फारक हो गया। अरे एक और खुशखबरी, वो तेरे लिए 10 करोड़ रुपए की फैक्ट्री तेरे नाम कर गए। अब रोने वाली क्या बात है? और पिछले 30 सालों से वो घाटे पे फैक्ट्री चल रही है और 40 करोड़ का कर्जा बैंक पे। मैं तो लुट गया, मेरी साइकिल भी बिक जाएगी, माफ कर देना मुझे। अब क्या करें? करना क्या है? अब वही नौकरी, कॉमेडी सर्कस, दोनों चिट्ठियां बांटेंगे फिर। नहीं, हौसला रखो। मेरे पास एक गाना तैयार है चिट्ठी वाला। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद सर्कस वालों के हाथ ये गोरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी ऊपर तेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, छोटे कपड़े पहनने वाली हम सब की बन तू घर वाली। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए कमेंट्स की क्या चिट्ठी आई है। अर्चना, इस ये जो दायरा है कि एक को यूनिफॉर्म पहननी ही है, I think again it's a unique concept, very nice, fine touches, very enjoyable act. It was not again आपके level का brilliant नहीं, but I enjoyed it. It was a mind blowing act. Rohit. Overall आप दोनों का performance, आप दोनों की energy, welcome back, जो पिछले episode में मुझे थोड़ा कम नजर आई, इसमें दोनों का performance बहुत अच्छा था. Even जब आप अकेले थे सुदेश, आपने स्टेज को बहुत अच्छी तरह से संभाला. एंड कृष्णा, योर परफॉर्मेंस एंड योर हार्ड वर्क अगेन वो दिखाई दे रहा था ऑन स्टेज. वेरी गुड. चलिए स्कोर्स की बारी. इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा खुद का कॉमेडी सर्कस का और हमारी इन चारों जोड़ियों का लेवल इतना हाई है कि अब हम लोग स्ट्रिक्ट होने की जगह वी शुड बी जेनरस, बिकॉज यू गाइज हैव have come this far. So I want to clap for all the Jodis. All of you guys. And my marks. That's a perfect 10. 9 points.